देश सप्ताह के न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना के रोहतक रोड से आ रही है, जहां पर एक शोरूम से दिन दिहाड़े जूते चोरी हुए हैं। बता दें कि गोहाना के रोहतक रोड पर ट्रक यूनियन के सामने जो है शाम को कुछ कस्टमर जो है दुकान के अंदर पहुंचते हैं, जहां पर उनके बीच जो है एक चोर भी पहुंचता है और चोर जो है शोरूम में घुसता है। घुसने के बाद जो है उसका फोकस जो है जूतों पर पड़ता है और उसने जो है जूतों पर सफाई से जो है जूते उठाने का काम किया गया है। और बताया गया है कि जूतों पर जो है एक परना रखा जाता है, वाइट कलर का परना होता है उसके हाथ में और जूते भी जो है वाइट कलर के होते हैं। उसके द्वारा जो है जूतों पर जो है बता दें कि परना रखा जाता है और परने को जो बड़ी सफाई से जूते के साथ उठाकर जो है जो ये रेड टेप का जो शोरूम है इसमें हाथ साफ करके जो जो चोर है वो यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। और दुकानदार को जो है जब पता लगता है तो उसने जब सीसीटीवी चेक की तो इस बात का खुलासा हुआ। दुकानदार ने बताया कि वह शोरूम पर जूते के रैक जो है सामने लगा हुआ था और जहाँ पर एक जोड़ा जो है जूता वहाँ से मिस मिला, तो उसके बाद जो है सेलमैन से बात हुई कि तो उन्होंने कहा कि कोई भी जूता नहीं बिका है। और तब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो वहाँ से जूता गायब मिलता है और एक लड़का जो है अंदर एंटर करने के बाद जो है जूतों पर परना रखकर वहाँ से ले जाता हुआ भी नज़र आता है। आपको तस्वीरें जो है सीसीटीवी की भी दिखाएंगे कि किस तरह जो है कुछ ही सेकंडों में कुछ ही मिनटों में जो है हाथ जो जूतों पर हाथ साफ कर जो आरोपी वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। आप सीसीटीवी में सामने देख सकते हैं कि अंदर जो है तीन युवक जो है शोरूम के अंदर आते हैं और एक काली पैंट और काले कलर की एक टी शर्ट और देख सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है हाथ में परना लिया हुआ है, यही वो चोर है जिसने इस शोरूम से इसको चोरी करने का काम किया गया है। और देख सकते हैं कि जो चोर है बड़ी सफाई से जो है यहाँ से जूते को उठाकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। और देख सकते हैं कि वो जो चोर है वो हाथ में परना भी लिया हुआ है और देखते ही देखते जो ये चोर है इस एक जोड़ी जूते की जोड़ी को यहाँ से देख सकते हैं कि जहाँ जूते पर जो है हाथ साफ करता हुआ चोर सामने नजर आता है। देख सकते हैं कि उसने जूते को उठा लिया गया है और आसपास देखता है और इस शोरूम से बाहर जाता हुआ सामने नजर आता है। देख सकते हैं, आप सभी से अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक ये खबर पहुँचे। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। क्या कैसे क्या हुआ था यहाँ पे? सर अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ कि जैसे सभी सेल्समैन कस्टमर अटेंड करने में बिजी थे, थोड़ी भीड़ भी थी यहाँ पे, तो एक लड़का एंटर करता है इसमें शोरूम में, साथ में दो लड़के और थे, ठीक है। तो उनका जैसे सेल्समैन बिजी थे तो इधर उधर देख के जब उसे लगा हाँ मैं सभी बिजी है, तो चुपके से उसने एक पेयर शूज पे अपना वो जो पढ़ना था वो डाला और वो उठा के ले गए। तो कैसे पता लगा? सर हमने सीसीटीवी चेक किए ना, जब हमें लगा कि यहाँ से एक पेयर शूज कहाँ गया तो हमने देखा कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई एक शूज पेयर यहाँ से, क्योंकि अंदर नहीं रखते डिस्प्ले पे हमारी सारी शूज रहते हैं, तो जब लगा कि भाई हमने ये शूज उठाए नहीं तो ये शूज कहाँ पे गया, तो जब सीसीटीवी चेक किया तो वो लड़का एक लड़का आया था और वो शूज ले गया। अकेला आया था वो? ये तो कुछ नहीं कह सकते कि वो अकेला था, क्योंकि उसके साथ में दो लोग और एंटर किया था। अब ये नहीं पता कि वो उसके साथ में थे या नहीं थे, हाँ ऐसा लग रहा कि वो पैदल थे। तो पुलिस कंप्लेंट करी? हाँ अभी 112 पे डायल किया है और वो अभी बात हुई है, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। एक शोरूम से जो है जूता चोरी होने का मामला सामने आया है, क्या क्या सूचना मिली थी? हमारे पास कॉल आई थी जी अरुण कुमार की, जिसका शोरूम है ये जो नगदी सराय का रहने वाला है, रेड टेप शोरूम है, और जो है ये जो है होल्डर को हैंड ओवर कर दिया हमने केस, होल्डर कार्रवाई करेंगे आगे फुटेज वगैरह
चेक करेंगे अच्छी रंग। तो ये शोरूम किस कहाँ पर है सर? ये जी ट्रक यूनियन के साथ पेट्रोल पंप के सामने है। तो क्या बताया गया है? ये बताया गया जी एक दो न लड़का जूते चोरी करके ले गया दिन में। कोशिश डी भी बताई गई आई है? नहीं नहीं, ये बताया जी जो पलना पलना ले रहा था और वो जो है सीसीटीवी फुटेज भी बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज बताए जी कैमरे मारे। ठीक है सर।